तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले नाइट ऑफ चैंपियंस की बात करते हुए। अब तो बैक टू बैक इसकी ही बात करेंगे। नाइट ऑफ चैंपियंस काफी क्लोज आ चुका है। आप लोग वैसे कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके बताना। एक नई फुटेज निकल के सामने आई है गाइस नाइट ऑफ चैंपियंस के स्टेज को लेकर। ऑलमोस्ट वही वाली फुटेज है जो कि हमने लास्ट टाइम देखी थी, लेकिन फिर भी अभी आ गई तो मेरे अंदर चुल है कि भाई दिखानी है तो दिखानी है। तो ये फुटेज आप लोग देख सकते हो। नाइट ऑफ चैंपियंस का स्टेज बिल्कुल रेडी है। ऑफिशियल ग्राफिक इन लोगों ने अभी नहीं लगाया, वो टेस्टिंग चल रही है, वो ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगा के लोग चेक वेक कर रहे हैं। तो ये कुछ सेम स्टेज है एलिमिनेशन चेंबर 2022 वाला, कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड थोड़े बहुत हो सकते हैं कि ग्राफिक्स में ही अंतर हो तो कुछ डिफरेंस देखने को मिले, कुछ अलग सी वाइब हो, लेकिन फिलहाल के हिसाब से वही स्टेज है ये। अब स्टेज की बात कर रहे हैं तो नाइट ऑफ चैंपियंस को लेके एक और अपडेट है, इसी में कवर कर लेता हूं। कई सारे सुपरस्टार्स नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं जो कि एक्चुअली कार्ड के अंदर है भी नहीं। अपडेट निकल के सामने आई है ये पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से कि कई सारे डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स बिल्कुल अभी जी हां ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी अभी निकल चुके हैं सऊदी अरेबिया के लिए। एले नाइट, रिक बुक्स ऐसे सुपरस्टार्स कार्ड के अंदर नहीं है, मैच के अंदर नहीं है, लेकिन स्टिल ये ट्रैवल कर रहे हैं वहां के लिए। तो क्या कोई रीजन है इसके पीछे का, पता नहीं, बट हाँ ये ट्रैवल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में जो कि लिव मॉर्गन को लेके। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया निकल के सामने आया है लिव मॉर्गन को लेके, काफी लॉजिकल है ये। एंड ये आइडिया है कि लिव मॉर्गन का जब रिटर्न होगा इंजरी के बाद, जब अभी करेंटली वो इंजर्ड है आपको मालूम होगा शोल्डर इंजरी है, इसके बाद जब वो वापसी करेंगी सर्जरी वगैरह सक्सेसफुल हो जाए रिकवर कर जाए तो वो मे बी एज अ हील सुपरस्टार वापस आ सकती है। लिव मॉर्गन के ऊपर हील कैरेक्टर कैसा लगेगा आई डोंट नो, वो जब डब्ल्यूडब्ल्यू बुक करेगी तभी पता चलेगा। लेकिन आइडिया कुछ ऐसा है कि अगर आप देखो कि रकील रोड्रिग्स के साथ लिव मॉर्गन की टीम थी, लिव मॉर्गन के इंजर्ड होते के साथ ही रकील रोड्रिग्स ने शॉर्ट जी को चुन लिया, तो हो सकता है कि लिव मॉर्गन को ये बात कहीं ना कहीं अच्छी ना लगे, बात खटके। एंड जब लिव मॉर्गन रिटर्न करें तो हो सकता है वो बिट्रे करे रकील रोड्रिग्स को, एंड यहां से एक नया एरा चालू हो लिव मॉर्गन के डब्ल्यूडब्ल्यू करियर का। यहां पे से आपको पॉसिबली लिव मॉर्गन का हील टर्न देखने को मिल सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी जताई जा रही है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये चीज होनी चाहिए, कमेंट करके बताना। मैं इसके सपोर्ट में हूं, मैं चाहता हूं कि ये होना चाहिए। एटलीस्ट देखते हैं कि एक हील सुपरस्टार के तौर पे लिव मॉर्गन कैसा परफॉर्म करती हैं, कौन सा फ्लेवर आता है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यू चीज कर सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। क्या आप लोग चाहते हो देखना, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेके। कुछ टाइम के लिए कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू से ब्रेक ले सकते हैं, कुछ टाइम के लिए कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू लीव कर सकते हैं। यह कब होगा मैं आपको बताता हूं। अपडेट निकल के सामने आई है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंजरी एंगल दिखाया है कोडी रोड्स का, वो डब्ल्यूडब्ल्यू उसको सेल करने के लिए कोडी रोड्स को कुछ महीने के लिए बाहर करेगी। कुछ महीने इन सेंस ऑफ दो महीने बताए जा रहे हैं, 8 हफ्ते टोटल 2 महीने। एंड ये चीज होगी नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद। तो आप लोग एक्सपेक्ट करो कि नाइट ऑफ चैंपियंस में ब्रॉक लेसनर से और धुनाई खाने के बाद कोडी रोड्स जो है 2 महीने के लिए यानी कि 8 हफ्ते के लिए गायब रहेंगे, एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे फिलहाल वो वाला कार्ड खेलने वाली है जो सेथ रॉलिंस के साथ खेला था इन लोगों ने हेल इन अ सेल के टाइम, आपको याद होगा वो टॉन्ट पैक लेके आए थे कोडी रोड्स। भाई क्या ओवेशन मिला था कोडी रोड्स को उसके बाद। तो वो सेम चीज डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ करने की कोशिश कर सकती है, ये चीज ब्रायन एल्वरेज ने बताई है। तो आपको कुछ 8 हफ्ते के लिए यानी तकरीबन 2 महीने के लिए नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद आपको मे बी कोडी रोड्स गायब होते हुए देखने को मिल सकते हैं, यानी वही समर स्लैम के टाइम आप समझो कि रिटर्न होगा। अभी अगर मई में नाइट ऑफ चैंपियंस हो रहा है तो जून जुलाई गायब होंगे, अगस्त में आ जाएंगे। तो ये कुछ बताया जा रहा है, कॉन्क्रीट नहीं है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बस ब्रायन एल्वरेज का ऐसा कहना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को लेके ही है। आज ब्रॉक लेसनर ने काफी भारी भारी पिटाई की कोडी रोड्स की, एंड वो बीस्ट वाला अवतार दिखाया कोडी रोड्स को अपना। ऐसे में भाई इसके ऊपर कोडी रोड्स के भाई का रिएक्शन निकल के सामने आया, कोडी रोड्स की वाइफ का भी रिएक्शन आया था, बट वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग उनका बेसिकली एक हार्ट ब्रेक था और कुछ नहीं। रिएक्शन डस्टिन रोड्स का देखने लायक है, एंड इसके ऊपर आप लोग ओपिनियंस जरूर से बताना। डस्टिन रोड्स भाई ब्रॉक लेसनर को पीस ऑफ शिट कहते हैं, यानी अब इसको मैं हिंदी में तो क्या बताऊं, इंग्लिश में तो आप लोग समझ ही सकते हो। ब्रॉक लेसनर को पीस ऑफ शिट कहा डस्टिन रोड्स ने, टैग करते हैं ब्रॉक लेसनर को एंड कहते हैं ब्रॉक लेसनर इज अ पीस ऑफ शिट। अब पता नहीं मुझे समझ नहीं आती है बात कि डस्टिन रोड्स AEW की बातें क्यों नहीं कर पाते हैं। जब भी कोडी रोड्स कोई मैच जीतते हैं किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में या फिर किसी से पिटाई खाते हैं, किसी को पीटते हैं, तो डस्टिन रोड्स पता नहीं एक अलग ही लेवल पे चालू हो जाते हैं। भाई रोमन से भी मैच हारे थे रेसलमेनिया में कोडी रोड्स, तो मुझे याद है डस्टिन रोड्स का रिएक्शन आया था। चलो ब्रैंडी रोड्स का मैं समझ सकता हूँ कि उनकी वाइफ है, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर है वो, अगर आप देखो तो AEW के अंदर वो नहीं है। ये डस्टिन रोड्स AEW में होने के बावजूद भी पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। क्लाउड चेजिंग भाई एक अल्टीमेट लेवल पे इनकी। आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट करके बताना, लेकिन मैं ऑनेस्टली चाहता हूं कि एक बार डस्टिन रोड्स ये बात ब्रॉक लेसनर के चेहरे पे करें। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग है। ब्रे वायट के फैंस खुश हो सकते हैं, देख के लग रहा है कि WWE ने फाइनली खुद से टीज करना चालू कर दिया ब्रे वायट को लेके। अगर
आपने नोटिस नहीं किया तो मैं कराता हूँ आपको नोटिस, मैं तो इसी के लिए बैठा हूँ भाई। एडम पियर्स का आज एक सेगमेंट हुआ था रॉ में बैक स्टेज का, जहाँ पे कि WWE ने QR कोड दिखाया है, ये आप लोग देख सकते हो कि पीछे मैं जूम इन कर देता हूँ जूम आउट वाली फोटो आप अभी देख रहोगे, अब देखो आप जूम इन वाली फोटो। ये QR कोड जो है लेफ्ट शोल्डर के पीछे है एडम पियर्स के, जिस फोन से वो बात करें जिस हाथ से उसके पीछे ये QR कोड। अब इसको स्कैन कोई नहीं कर पाया प्रॉपरली, लोग आज उतना नोटिस भी नहीं करते हैं, प्लस हाइप भी काफ़ी ब्रेव एड को लेकर कम हो गई है, एंड ये नोटिसेबल था भी नहीं, उतना स्कैनेबल भी नहीं था, तो इसको स्कैन नहीं कर पाया कोई। लेकिन हाँ, ये QR कोड है, एंड QR कोड ब्रेव एड के लिए होता है, तो ये उसी का टीज है, जल्दी से रिटर्न हो जाए बस यही चाहेंगे भाई हम लोग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है, एंड चैनल के ऊपर एक्टिव रहो, नाइट ऑफ चैंपियंस का टाइम है तो अपडेट्स वगैरह आएगी भयंकर वाली। फॉलो कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम ट्विटर पर, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अभी नेक्स्ट ऑफ एयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।